पूरा फॉग जमा हुआ है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए हैं चावला घाट। एक तरीके से गोवा का बॉर्डर खुल गया है, तो सोचा कि एक राइड मार जाए। तो आप पूरा देख सकते हैं, पूरा फॉग जमा हुआ है ऊपर। जल्दी निकलने वाले थे लेकिन इसका बैटरी डाउन हो गया। हमने कैसे कैसे करके इसको स्टार्ट किया। अंजुना डैम के दरवाजा रहता है ना, इधर पानी छोड़ते हैं वो ये साइड से देखने को मिलता है। रास्ता सही होना चाहिए, रास्ता अभी मालूम नहीं कैसा है। अंजुना डैम ऊपर से पूरा व्यू मिलेगा, दिखा दो आपको ऊपर से। पिछली बार की इसका बैटरी का इशू हुआ था चतुर्थी के टाइम पे, तभी शोरूम वाले आए थे घर पे और मेरे को बैटरी भी स्पेयर बैटरी देके गए थे। तो चार्ज करके 8 दिन भी नहीं हो लगता है, फिर से डाउन हो गई बैटरी। क्या इशू रहेगा, अभी मंगलवार को इसका सर्विसिंग है, तभी देखेंगे इसका क्या इशू है। रास्ता तो पूरा खराब है इधर, जगह पे पॉट होल। कब से रुके थे हम लोग, बॉर्डर खुलेगी और हम लोग एक तो ऐसा राइड करके आएंगे माउंटेन के ऊपर, मतलब घाट के ऊपर। महाराष्ट्र का बॉर्डर नहीं खुला है अभी तक। महाराष्ट्र में उस साइड में जाएंगे तो हम लोगों को पास निकलना पड़ता है और पूरा रास्ता खराब है। छोटे छोटे वाटरफॉल बहुत है इधर, एक ही वाटरफॉल है अंदर, लेकिन अभी लगता है ये लोगों ने बंद कर दिया है, जाने को नहीं मिलेगा अंदर। इधर अंदर जाने को मिलता है, इधर एक वाटरफॉल है, ये देखिए, ये देखिए, ये अंजुना डैम का पूरा व्यू ऊपर, और ऊपर से सही से दिखेगा। लगता है इधर लैंडस्लाइड हुआ, बॉर्डर तो बंद था, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा था क्या हुआ क्या नहीं। जो कमर्शियल आइटम है वही आ रहे थे, ये कचरा फेंका पूरा, क्या कचरा डाल के इधर। ऊपर ऊपर तो पूरा रास्ता ही खराब है, देखो पूरा रास्ता अभी नीचे से पूरा है, पूरा रास्ता खराब है इधर। रास्ते का हालत पूरा खराब हो चुका है इधर, और बीच बीच में किसने कचरा भी उड़ा है। क्या है भाई, क्या रास्ता है, क्या है ये, लग रहा है हम लोग ऊपर मनाली में आ चुके करके। इधर से एक्चुअली पूरा व्यू दिखता है लेकिन अभी पूरा फॉग जमने के कारण कुछ नहीं दिखेगा आपको। आने के टाइम पे अगर फॉग हट गया तो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर से एक्चुअली सनसेट पॉइंट फोटो लेते हैं सब लोग, लेकिन फिलहाल तो पूरा खत्म हो चुका है फॉग में। इधर बाइक लेके आने में हालत हो रही है और ये लोग स्कूटी लेके आ रहे हैं।
ये रास्ते का, ये रास्ते तो मेरे को लगता है आंबोली का तो पूरा रास्ता खराब हो जाएगा। क्या पता वो सही रहेगा ये खराब रहेगा। रास्ते ने हालत पूरी बेकार कर दी है। ये देख के रास्ता है कि क्या है, और ऊपर से फॉग सही से दिख भी नहीं रहा है। बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े आपको कुछ विजिबल है ऊपर में सही दिख रहा है नहीं मालूम मेरे को। ये टाइम पे इतना फॉग रहेगा तो बाद में रात में क्या हालत होगी, रात में मेरे को लगता है रास्ता भी नहीं दिखेगा, सामने का कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऊपर से अगर आपका LED हेडलाइट रहा या फिर प्रोजेक्टर रहा तो आपकी तो बाद में लग गई, उसमें पूरा व्हाइट में पूरा व्हाइट पूरा एकदम ब्राइट व्हाइट हो जाता है, आगे दिखता भी नहीं कुछ भी। बाद में वो येल्लो कलर की पन्नी आती है वो लगाने का, उसमें थोड़ा तो विजिबिलिटी दिखता है रहता है। ये तो जुगाड़ है, जुगाड़ येल्लो पन्नी का। वाइजर के अंदर पूरा फॉग जम गया है। गुम हो गए, रास्ते का पूरा बाहर जाने लगा था मैं, इसमें दिखता ही नहीं कुछ भी, पूरा जीरो उसका खाली दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है अभी। और इधर ओवरटेक करने का मतलब थोड़ा डेंजर भी, आगे से गाड़ी दिखेगा भी नहीं और रास्ता भी नहीं दिखता सही से, और बीच में जो खड्डा भी है। एक तो रास्ता खराब, ऊपर से ये सीन। थोड़े लोग तो मनाली के लिए निकल चुके हैं लेकिन हम लोग इधर एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी। वाटरफॉल जीरो विजिबिलिटी है इधर, आगे सही से रास्ता दिख भी नहीं रहा है कुछ भी। साइड लाइट चालू करके जाएंगे, थोड़ा ब्लिंकिंग की वजह से किसी को आगे पीछे दिखेगा अभी। बीच बीच में गड्ढे हैं बड़े बड़े, ये क्या किधर जाने का है, आंखों के ऊपर भी पानी जम गया है। ये देखो इनको देखो, गाड़ी से बाहर निकल के शूटिंग निकल रहे हैं, आगे से दिखता नहीं है और ये लोग बाहर निकल गए हैं। ये हमने गोवा बॉर्डर क्रॉस कर दिया, पीछे का गोवा बॉर्डर है, अभी हम लोग कर्नाटका में एंटर कर चुके हैं। भाई सच्ची में ये व्यू ना एक्सपीरियंस करने के लायक है सच्ची में। एक दो तीन और चौथा हमारा हिमालय लेके आ रहा है, आगे जाके ये तो विजिबल भी नहीं हो जाएंगे, विजिबल भी नहीं रहेंगे फॉग की वजह से। ये देखिए गायब हो चुके हैं, कहीं जा रहा है हमारा। अब भी बात कर रहा था मैं, देखो आगे गाड़ियां हैं लेकिन खाली हिमालय दिख रही है, बाकी आगे तो गाड़ियां नहीं दिख रही। अभी हिमालय भी ब्लर हो चुकी है, ऐसा कैसा इतना ये मालूम नहीं है। देखो पूरा जीरो रात में भाई, इधर तो खतरनाक नक सीन रहेगा। लैंडस्लाइड हुआ था पूरा मट्टी इधर, ये दोनों साइड में रखा कुछ दिख नहीं रहा, पूरा जीरो विजिबिलिटी है इधर, दिख भी नहीं रहा कुछ भी। चलो बाद में मिलता हूँ।
वो जो पूरा पानी है वो अंजना डैम का पानी है। इधर से व्यू देखिए पूरा पहाड़। कहते हैं कि इधर से एक शॉर्टकट रोड है वही तो फॉरेस्ट ने बंद कर दिया है, पूरा डायरेक्ट इधर ऊपर आता है, ऊपर जाना देता है, इतना पूरा घाट निकालने का जरूरत नहीं है, पूरा कच्चा रास्ता है, ऑफ रोडिंग रास्ता है।